बच्चों अर्ध अलंकारों में आज हम भ्रांतिमान अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आपने इसके पहले पढ़ा संदेह। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में थोड़ा सा अंतर है। संदेह का मतलब दूसरी चीज हम मान ले, जैसे क्या उदाहरण एक है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी है, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। भ्रांतिमान में क्या होता है कि भ्रम के कारण हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं कुछ समानता के कारण। अब इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे कहीं पे रस्सी गिरी हुई है, एकदम थोड़ी सी मुड़ी उड़ी है, अंधेरा है, और अंधेरे में हम उस रस्सी को सांप समझ लें, तो यह क्या है, संदेह, भ्रांतिमान। अब एक देखिए भ्रांतिमान का उदाहरण दिखा सुना रहे हैं। बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंढ में ब्याल, ताहू कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। यहाँ पर जो है सांप जो है वो हाथी की सूंड को क्या है, बिल विचारी, बिल समझ लिया, प्रविशन लग्यो और वह उसके अंदर जो है ना हाथी की जो सूंड है उस सूंड को बिल समझ करके उसके अंदर जो है वह घुसने लगा। और वह और हाथी क्या करता है, ताहू कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। और हाथी भी जो है भ्रम के कारण उस सांप को क्या समझता है, गन्ना समझता है, ऊख समझी, गन्ना समझ करके उसे उठा लिया। तो यह हमारा क्या हुआ, भ्रांतिमान अलंकार। संदेह और भ्रांतिमान में आपने समझ लिया, जहाँ पे भ्रम के कारण इतनी समानता है दो चीज़ों के में कि हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, वह क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। अब आगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझते हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों अलंकारों में बहुत अधिक समानता है। ये तीनों ही अलंकार उपमेय और उपमान की तुलना से संबंधित हैं। तीनों अलंकारों में हम अंतर समझते हैं। उपमा अलंकार में क्या है, एक वस्तु की तुलना समान गुण धर्म के आधार पर दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वह क्या है, उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में तुलनावाची शब्द इव, भांति, सम, सरस लगे रहते हैं। जैसे उदाहरण, पीपर पात सरिसमन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन जो है हिल रहा है, तो यह तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय को ही हम उपमान मान लेते हैं। दोनों में इतनी अधिक समानता होती है कि एक वस्तु को दूसरा कह दिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। और अगर यहीं पे हो जाता हरिपद कोमल कमल से, तो यह उपमा अलंकार होता, क्योंकि हरि के चरणों की कोमलता की तुलना कमल से की जा रही है। लेकिन यहाँ पे चरण कमल, चरण क्या है, कमल है, कमल की तरह नहीं है, तो चरण को ही कमल कह दिया गया, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार। अब इसी तरह का अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और वहाँ पे मनु मानहु जन जानहु लगा होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभा। यहाँ पे क्या, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और उसमें इव, भांति, सम, सरस आदि लगा रहता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।